हेलो दोस्तों, आपने नासा की स्पीड के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि यार नासा की स्पीड 91 GBPS है। मतलब कैसे हो सकता है यार 91 GBPS? तो आज मैं आपको इसके पीछे की रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि भाई नासा में क्या 91 GBPS स्पीड मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्नोज गुरु। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि आपने यार ये काफ़ी पिक्स देखी होंगी यार, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, मतलब हर जगह काफ़ी वायरल हुई ये पिक्स वगैरह। फॉर एग्जाम्पल, ये द इंटरनेट स्पीड एट नासा इज 91 GBPS। मतलब ये देखिए, डिड यू नो नासा, मतलब नासा की जो 91 GBPS स्पीड है, मतलब कुछ भी अगर कोई भी व्हाट्सएप या फेसबुक पे कुछ भी डाल देगा तो आप सब तो यकीन कर ही लोगे। मैंने भी कई लोगों से सुना है कि नासा में 91 GBPS स्पीड आती है। मतलब जिसने ये फोटो बनाई है उसको खुद को आइडिया नहीं था कि यार यहाँ पे GB लिखा हुआ है, गीगा बिट्स पर सेकेंड। और जिसने वीडियो बनाया हो, जिसने ये फोटो भी बनाया होगा ना, उसको ये भी नहीं पता होगा कि गीगा बिट्स और गीगा बाइट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अब व्हाट्सएप पे आ गया, फेसबुक पे, यार समझो यार कि ये रियलिटी है। ये तो एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है। 2013 में एक रिपोर्ट, मतलब एक नासा ने मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन किया था, एक्सपेरिमेंट किया था सुपर कंप्यूटर टेक्निक्स के अंडर। ये मैं आपको उसकी एक रिपोर्ट दिखा रहा हूँ SC 2013 में। तो ये कुछ नहीं है, ये एक नेटवर्क है जो क्लोज नेटवर्क है नासा का दूसरी कंपनी से, रिसर्च एक रिसर्च सेंटर में इसको बनाने के लिए, कि भाई उनके हाईली साइज डाटा होते हैं तो उनको लाने के लिए, उनको भेजने के लिए इधर से उधर। तो उन्होंने एक ESnet बनाया था जिसकी फुल फॉर्म है एनर्जी साइंस नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो और ये ICAIR, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांस इंटरनेट रिसर्च ने बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर। तो और कुछ नहीं है इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, आप पेन ड्राइव यूज़ करते हो, मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो, क्लास 10, क्लास 6 और क्लास 4। क्लास 4 में कितनी छोट कम स्पीड आती है, क्लास 4 में और ज़्यादा आती है, क्लास 10 में उससे ज़्यादा आती है, आगे अल्ट्रा आती हैं काफ़ी सारी। तो उस हिसाब से ये भी है कि भाई इसमें अगर हम ये इन्होंने नेटवर्क बनाया 91 GBPS का, मतलब इससे ये थोड़ी ना है कि भाई ये अगर नए यूट्यूब चलाएंगे तो यूट्यूब भी मतलब 91 GBPS से चलेगा, और अगर कुछ भी जीमेल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो मतलब उसमें स्पीड, ये एक क्लोज नेटवर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में वाईफाई लग रहा होगा, आप उसका कनेक्शन ले रहे हो 50 Mbps का, तो क्या 50 Mbps स्पीड आती है? ये तो है नहीं ना। आप अगर YouTube पे चला रहे हो, 4K वीडियो चला रहे हो YouTube पे, तो 50 Mbps भी वही चलेगी और 100 Mbps भी वही चलेगी। ये तो है नहीं कि भाई उसकी पीक्स में डिफरेंस आ जाएगा। तो नासा में 91 GBPS स्पीड नहीं आती, वो उन्होंने सिर्फ एक रिसर्च की थी कि भाई हम हाईली डाटा ट्रांसफ़र के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पढ़ के बताऊँ पूरा का पूरा। आप आराम से बैठ के पढ़ लेना कि भाई इस रिपोर्ट में क्या क्या है। तो यही है छोटी सी बात कि भाई नासा में 91 GBPS स्पीड नहीं आती है। ये एक मतलब किसी ने इमेज बनाई है और इमेज वाले को ये भी नहीं पता कि भाई यहाँ पे स्मॉल जी आएगा, बी आएगा। तो प्लीज़ इन इमेजेस को मत शेयर कीजिए, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी होती तो भाई हम भी बिलीव करते कि हाँ भाई नासा में 91 GBPS स्पीड आती है। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।